एनएमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी के 8वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 7वें लेक्चर तक हमने पढ़ा था आपके रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट्स। पढ़ चुके हैं इसमें प्रेरित प्रेरण प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई प्रभाव वालों से डिसेंडिंग होती है, और पढ़ चुके हैं कि आपके वांडरवाल्स विपरिरक्षण, वांडरवाल्स डिसेंडिंग यानी बड़े बड़े ग्रुप हो तो भी आपकी डिसेंडिंग होती है। अब इम्पोर्टेंट वाला है चुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव या दिग्प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनीसोट्रॉपी और स्पेस द्विक स्पेस प्रभाव। जो शील्डिंग डिसील्डिंग है वो पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटोन की पोजीशन पे, पोजीशन यानी कि विन्यास इस ओरिएंटेशन पे निर्भर करती है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पेस प्रभाव और एनीसोट्रॉपिक इफेक्ट विषम दैशिक प्रभाव। ये आपके दो तरह का होता है, प्रतिचुंबकीय, जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एच जीरो के विपरीत दिशा में होने पर उसका विरोध करे तो प्रोटॉन की शील्डिंग से सिग्नल कहाँ जाएगा, हाई फील्ड अप फील्ड में, और वहां पे डेल्टा में वैल्यू कैसी हो जाती है, कम कम डेल्टा पे प्राप्त हो। इस तरह का फेमस एग्जांपल है एल्काइन। दूसरा है अनुचुंबकीय विषमदैशिक, ये विरोध कर रहा था, विपरीत डायरेक्शन में था, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समान डायरेक्शन में होगा, उसका विरोध ना करके एच जीरो को समृद्ध री इन्फोर्स कर दे तो वहाँ शील्डिंग होती है, यहाँ डी शील्डिंग होगी और सिग्नल आपके डाउन फील्ड, लो फील्ड, लो फील्ड पर डेल्टा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हाई डेल्टा पर इसका मान प्राप्त होगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल एल्कीन बेंजीन एल्डिहाइड है आपके, एक एक करके अब इन एग्जाम्पलों को समझते हैं। एल्काइन में कार्बन का sp संकरण है, इसकी सरल रेखीय संरचना, अक्ष है और अक्ष पे ही आपके सममित ट्रिपल बॉन्ड है। जब इस अक्ष के दिशा में ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाए तो ये इसके गोल पथ में चक्रण करेंगे लंबवत, और इससे जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की पोजीशन ऐसी है कि ये आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा, विरोध करता है, और विरोध करेगा तो क्या होगी, शील्डिंग, शील्डिंग यानी कि एनएमआर सिग्नल, हाई फील्ड, हाई फील्ड यानी कि डेल्टा की वैल्यू कम पर प्राप्त होता है। दूसरा एग्जांपल देखें, ये विशेष है, यहाँ हम एक तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, इन पे कौन सा प्रति चुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव है या आपके अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव है, तो कार्बन एटम के सापेक्ष और हाइड्रोजन एटम, इन दोनों के सापेक्ष यह बात करिए, क्योंकि आपके ये जब C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वह कार्बन के सापेक्ष बात आती है, यहाँ H1 NMR पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन के सापेक्ष है। इसमें आपके जो सरल रेखीय संरचना होती है, समतल त्रिभुजीय, यहाँ इस रूप में माना है हमने कि RCCR सेम तल में है, और ये हाइड्रोजन कैसे हैं, तल के लंबवत, तल के ऊपर, और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जब चक्रण करेंगे तो इनसे जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के लंबवत यानी कार्बन एटम के तल में होगा। तो ये पोजीशन हाइड्रोजन एटम की इस तरह की है कि ये जो लंबवत प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये इस हाइड्रोजन एटम के सापेक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में बढ़ेगा, यानी डी शील्डिंग अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव हाइड्रोजन एटम के सापेक्ष होता है और आपके सिग्नल आपके
डिसेंडिंग डाउन फ्लो में नहीं जाएगा डेल्टा पी के। अब कार्बन एटम की बात करें, कार्बन एटम सेम तल में और एक प्रेरित चुंबकीय भी आपके सेम तल में आया है, यानी हाइड्रोजन एटम के संदर्भ में, तो फिर ये कार्बन एटम के संदर्भ में तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय विषमदर्शी प्रभाव। और यार धैर्य से अपन धीमे धीमे इसको समझने की कोशिश करते हैं। एल्कीन अणु में द्विबंध तल के अक्ष पर और हाइड्रोजन एटम लंबवत होते हैं। जब वायु चुंबकीय क्षेत्र द्विबंध के लंबवत दिशा में लगाया जाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन वायु चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर चक्रण करते हैं। इससे उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटोन के सापेक्ष वायु चुंबकीय क्षेत्र को समृद्ध रीइन्फोर्स करता है, क्योंकि इसमें डीशील्डिंग होती है और एनएमआर सिग्नल आपके डाउन फील्ड में यानी अधिक डेल्टा पे आता है। यह अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव है। लेकिन कार्बन एटम सेम तल में के सापेक्ष प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र एच जीरो का विरोध करता है, अतः विषमदैशिक प्रभाव होगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है आपके एल्कीन की। अब बात करें एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में भी सेम पोजिशन है, हाइड्रोजन कैसा है, तल के लंबत है और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण से लंबवत प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। तो हाइड्रोजन एटम है तो वही अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव होगा। लेकिन आपके इन कार्बन एटम के में संदर्भ में प्रतिचुंबकीय होगा। एल्कीन के समान एल्डिहाइड में भी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र हाइड्रोजन एटम के सापेक्ष प्रोटोन के सापेक्ष एच जीरो को समृद्ध करके अनुचुंबकीय विषमदैशिक, लेकिन कार्बन के संदर्भ में प्रतिचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव उत्पन्न करता है। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके बेंजीन का। बेंजीन में जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है उसको कहते हैं हम रिंग करंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की रिंग पाई जाती है। छह पाई इलेक्ट्रॉनों की विस्थानीकृत इलेक्ट्रोनभ्र तल के ऊपर नीचे पाया जाता है आपके बेंजीन में। तो जब इस पर वायु चुंबकीय क्षेत्र हम लगाए तो ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में जो इस सतह वाले हाइड्रोजन एटम है, भले के बाहर वाले जो हाइड्रोजन एटम है इनमें तो अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव होता है, लेकिन जो अंदर वाले होते हैं उन पे आपके प्रतिचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव होता है। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन की चक्रीय का चक्रीय विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन घनत्व भले के तल के ऊपर तथा नीचे पाया जाता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एच जीरो लगाते हैं तो भले के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से भले धारा रिंग करंट उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित भले धारा इंड्यूस्ड रिंग करंट कहते हैं। यह एरोमेटिक बले के केंद्र के प्रोटोनों पर प्रतिचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव डालती है, लेकिन परिधि के प्रोटोनों पर अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव डालती है। और जिस वजह से ये जो बाहर वाले हैं ये आपके डाउन फील्ड में प्राप्त होंगे, अंदर वाले अप फील्ड में प्राप्त होंगे। और भी अच्छे से समझ में आएगी, हम अगला एग्जाम्पल लेंगे एनोलिन। बेंजीन में तो तल तल वाले प्रोटोन थे, एनोलिन में आपके छह ये प्रोटोन तो कैसे हैं भले में अंदर, तो इन पे कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, इनमें शील्डिंग होगी हाई फील्ड में 0.3 ppm पे आते हैं। पावर वालों में क्या होगी, डी शील्डिंग डाउन फील्ड यानी ज्यादा डेल्टा 9.3 ppm पे सिग्नल। और बात करें एल्डिहाइड का, हम पढ़ चुके हैं ये आपके एसिटोफिनोन का है। इसमें दो तरह के रिंग करंट होंगे, दो तरह के प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होंगे जो इन भले के प्रोटोनों पर प्रभाव डालेंगे। पहला तो ये इंड्यूस्ड रिंग करंट, जिसकी वजह से प्रोटोन कैसे होते हैं, डीशील्डेड हाई डेल्टा पीपीएम पे। उसके साथ साथ ये सीओ ग्रुप भी बेंजीन भले के तल में ही है, तो इस बलय के तल में वजह से इससे भी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होगा, अतिरिक्त प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होगा इन प्रोटोनों पर।
बलय के अतिरिक्त, तो उसकी वजह से सबसे नियरेस्ट है ऑर्थो। तो इन ऑर्थो का सिग्नल सबसे डाउन में चला जाता है 7.85 ppm, फिर मेटा के प्रोटोन 7.4, फिर पैरा के 7.30। तो इस तरह का प्रभाव आपके एनिसोट्रोपी विषम दैशिक प्रभाव कहलाता है। अगला एक प्रभाव और है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बंध सेतु के रूप में पाया जाता है। एक विद्युत ऋणी परमाणु से तो उसे ऐसे विजय बल से जुड़ा जाता है और दूसरे से वह दुर्बल आकर्षण बल, जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, उससे आकर्षित होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध वाले हाइड्रोजन या प्रोटोन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत कम हो जाता है, यानी उसमें डी शील्डिंग हो जाती है। तो डी शील्डिंग होने से प्रोटोन का सिग्नल आपके हाई डेल्टा वैल्यू पे आएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा डी शील्डिंग होगी, उतना ही ज़्यादा केमिकल शिफ्ट होगा। एल्कोहलों से इससे समझें तो बहुत आसानी से समझ में आती है बात कि जो शुद्ध एल्कोहल है उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इसलिए जो हाइड्रोक्सिल प्रोटोन है उनका जो सिग्नल आता है 4.35 डाउन फील्ड में। यदि हम अध्रुवीय विलायक ले लें तो आपके जैसे CCl4 और इसका डायलूट सॉल्यूशन लें 5 से 20%, तो यह सिग्नल अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो डी शील्डिंग कम होगी, यानी अब ज़्यादा डेल्टा पे 2 से 4 ppm पे सिग्नल आएगा। और ज़्यादा डाइल्यूशन कर दें, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल हटा दें, यानी अनुतंत्रता की स्थिति में या वाष्प अवस्था में जब अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेंगे, तो फिर ये अप फील्ड में आएगा, डिसेंडिंग होगी नहीं, अब डेल्टा 0.5 ppm पे सिग्नल आएगा। इस प्रकार अंतराणुक इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग वाले अणुओं में तनुकरणताप से केमिकल शिफ्ट रासायनिक विस्थापन हो जाता है, लेकिन जो अंतराणुक होते हैं इंटरमोलिकुलर उनमें यह इस तरह की शिफ्टिंग नहीं होती। तो इस तरह से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से इंटर और इंट्रा एच बॉन्डिंग में डिफरेंस कर सकते हैं। इसी प्रकार का एल्कोहल तो है प्रभाव एमिनो में भी मिलता है, इनके सांद्रोतन विलयनों में सिग्नल अलग अलग जगह पाया जाता है। जो सैलिसिलिक एसिड है उसमें ये एच बॉन्डिंग है तो ये OH वाले और डाउन फील्ड में आते हैं। इस तरह से ये आपके जहाँ भी ये और एक बार यहाँ समझने की कोशिश की है, हाई फील्ड में क्या होगी, शील्डिंग होगी, तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू यहाँ 0 शुरू करते हैं 1, 2, 3, यानी डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। डी शील्डिंग होगी डाउन फील्ड, यानी कि डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। धन्यवाद।